ज्योति की संतान के सदृश हमें चलना है। अब ज्योति की संतान अर्थात परमेश्वर के लोग ज्योति की संतान कहे गए हैं। और यहां पर जब हम इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 17 आयत से लेकर 5 अध्याय के 21 आयत तक हम पढ़ते हैं, ये एक पैसेज है ज्योति की संतान। ज्योति की संतान कौन हो सकता है? उसके जीवन में ये गुण होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए जो इस 4 अध्याय के 17 आयत से लेकर 5 अध्याय के 21 आयत तक देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर बहुत सी बातें परमेश्वर के दास पौलुस ने यहां पर हमारे सामने डिक्लेयर की है। तो आज मैं आपको 1-2 बातों से यहां पर लेके चलना चाहता हूं, और खास तौर से ज्योति की संतान के गुण कैसे होने चाहिए। इससे पहले एक वचन मेरे साथ पढ़ दीजिए, 15 आयत, इसकी 5:15 और 16 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, या पढ़िए उस पहले उस बाइबल पढ़ दीजिए, पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। इस ट्रांसलेट में लिखा है, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्य के सदृश नहीं वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो। समय का पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, अगर हम ज्योति की संतान हैं और ज्योति की संतान कहलाए गए हैं, ज्योति की संतान परमेश्वर चाहता है कि हमें सावधान रहना है हर एक बात में, चौकस रहना है हर एक बात में, और पूरी रीति से हमें बुद्धिमत्ता के साथ चलना है। हम निर्बुद्धियों के समान ना बने, हम जैसे लोग पाप में हैं या अलग तरह के कार्य करते हैं जो कि परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं है, तो प्रभु आज चाहते हैं कि हम ज्योति की संतान कहलाते हैं तो हम बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ, पाप से दूर हटते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और यहां पर लिखा है, समय का पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो यहां पर इन दिनों में जो दिन बुरे चल रहे हैं, अपने आप को हमें कैसे बचा के रखना है, तो परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। इस संसार में चलने के लिए हमें ज्योति की जरूरत है, तो प्रभु ने स्वयं कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8:12 में लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना जाएगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना जाएगा परन जीवन की ज्योति पाएगा। तो ज्योति की संतान होने के लिए जरूरत है कि हमको प्रभु के साथ चलना है, जो स्वयं ज्योति है उसके साथ चलना है, उसकी महिमा करना है, उसके साथ साथ चलना है, तब हम अंधकार से बच पाएंगे। हम अपनी सामर्थ्य, अपने बल से नहीं बच पाएंगे। इस संसार में पाप की शक्ति इतना काम करती है, गलत काम इतने होते हैं, उनसे बचने के लिए हमें परमात्मा की, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसका मतलब कि हमें यीशु के साथ चलना है ताकि हम अंधकार से बचे रहें। अंधकार का मतलब जहां पर सब प्रकार के बुरे काम होते हैं, अंधकार का मतलब जहां पर कुछ सुझाई नहीं देता, लोगों को कितनी बार समझाने पर भी लोग नहीं समझ पाते और वो गलत और गलत अर्थात गलत सो गलत, जैसे बोलते हैं ना, गलत तो गलत है। तो गलत क्या है? बहुत सी चीज हम देखते हैं, गाली बकना गलत है, झूठ बोलना गलत है, और व्यभिचार करना गलत है, चोरी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, और नाना प्रकार की जो ईर्ष्या है उसको गलत कहा गया है। इसलिए अंधकार के जो ये अंधकार में चलने वाले या ऐसे काम करने वाले लोग अंधकार में पाए जाते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको मेरी जरूरत है, तुम्हें ज्योति की जरूरत है। आज मुझे और आपको ज्योति की जरूरत है, और वो ज्योति कोई और नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, और परमेश्वर
प्रकट हुए प्रभु यीशु मसीह में। और यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं जाएगा। अब हमें जब प्रभु पर विश्वास कर लिया है हमने, जब प्रभु के साथ चलते हैं हम, तो प्रभु ये चाहते हैं जब हम मत्तीरचि सुसमाचार में 5 अध्याय के उसके 14 आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह अब कहते हैं अपने लोगों को कि तुम जगत की ज्योति हो। अब वहां पर केवल ज्योति का काम क्या है, केवल यही नहीं कहना कि मैं ज्योति हूं, लेकिन ज्योति का कुछ काम है, ज्योति का काम है। इस वचन को अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दिया को जलाकर कोठरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों पर प्रकाश देता है। तुम्हारा भी प्रकाश सब मनुष्य के सम्मुख चमके ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया। तो ज्योति का काम है प्रकाश देना, प्रकाश अर्थात अंधकार को दूर करना। और अगर हम जगत की ज्योति हैं, अगर हम परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर ज्योति ठहराता है और प्रभु कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, और अगर तुम जगत की ज्योति हो तो तुम्हारे काम ज्योति के समान होने चाहिए, तुम्हारे काम ज्योति के से होने चाहिए। और ज्योति के काम क्या है, यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा प्रकाश सब मनुष्य के सम्मुख चमके, अर्थात हमारे काम मनुष्य के सामने भले हो, अर्थात हमारे काम मतलब जिससे परमेश्वर की बड़ाई हो, जिससे कि परमेश्वर खुश होते हैं, जिससे कि कोई भी उसमें पाप ना हो। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने इसी प्रकार चमके वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर अर्थात परमेश्वर की बड़ाई की जाए। हमारे जीवन से भला काम होना जरूरी है। परमेश्वर भले हैं और वो भलाई से प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को भला करना आज कठिन हो रहा है। वो भला करना चाहता तो है लेकिन भला करने में उसे कठिनाई होती है, उसे डर लगता है, उसे बहुत सी चीज, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसीलिए इन दिनों में अपने आप को हमें बड़े सावधानी के साथ परमेश्वर की सामर्थ को लेने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा प्रकाश सब मनुष्य के सामने इसी प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्ग पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई हो, उसकी महिमा हो। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के उस इन वचनों को अपने जीवन में लेकर बुराई से विमुख रहना है। जैसे अभी हम इफिसियों में पढ़ रहे हैं और इफिसियों में पढ़ने में इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्य के सदृश नहीं वरन बुद्धिमानों के सदृश चलना है। समय का पूरा पूरा उपयोग करना है क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए निर्बुद्धि ना हो परंतु यह जानो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होते हैं। इफ We know the will of God, then we do like that. जैसे परमेश्वर चाहते हैं हम फिर वैसे करेंगे, जैसा प्रभु चाहता है वैसे हमें करने की सामर्थ प्रभु प्रदान करते हैं अगर हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनता की, लोगों की, और बहुत से जो बुराई में हैं वो कितनी बार सही उनके सामने रखा जाता है, उस सही का चुनाव नहीं कर पाते वो, और फिर भी वो बुराई में बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसमें देखिए यहां पर प्रभु का दास प्रचार कर रहे हैं यूहन्ना, और यूहन्ना कह रहे हैं यहां पर यीशु मसीह के लिए, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो परमेश्वर ही मनुष्य की ज्योति है, परमेश्वर ही मनुष्य की ज्योति है, यह हमें समझना है। अगर हमें सही तरह से चलना है, अगर हमें पूरी रीति से अपने जीवन को समझ जो प्रभु की इच्छा है उसके अनुसार चलना है तो यह समझना है वो ज्योति हमें चाहिए जो परमेश्वर की ज्योति है, और वो ज्योति कोई और नहीं, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वो ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया।
अंधकार क्या है? ग्रहण नहीं करता ज्योति को। सही कामों को शैतान ग्रहण नहीं करता, सही कामों को अंधकार ग्रहण नहीं करता। तो यहां पर सात आयत में लिखा, इसलिए आया कि उस ज्योति का गवाही दे, वह इसलिए आया कि उस ज्योति का गवाह बने कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। आगे लिखा है, वह स्वयं ज्योति ना था परंतु वह इसलिए आया कि उस ज्योति की साक्षी दे। अब वो ज्योति की साक्षी देने आई यूहन्ना, ज्योति की साक्षी। और नौ में लिखा है, वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। तो यहां पर बहुत से लोग मसीह को पहचानते नहीं है, मसीह को मानते नहीं है, मसीह को पहचानते नहीं है, अर्थात सच्ची ज्योति मसीहा। अब मसीहा नाना प्रकार की चीजों में हम लोगों को देखते हैं, किसी ने किसी को मसीहा बना लिया, कोई किसी का मसीहा बन गया। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने वचन कहा, वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। तो ना पहचानना ही एक तरह का इंसान पाप करता है। और लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा। तो आज मुझे और आपको या मनुष्य मानव जाति को यहां पर जरूरत है कि वो परमेश्वर की कृपा में परमेश्वर की इच्छा को पहचाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इसलिए ज्योति बनने की अगर हमें अपनी तरफ से सामर्थ्य जुटानी है तो शायद हो सकती है वो फेल हो जाए, लेकिन हमें परमेश्वर की ज्योति परमेश्वर की सामर्थ्य को लेना है, परमेश्वर के साथ चलना है, तब देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से हमसे बातचीत करेंगे। तो यहां पर लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ देता हूं, 4:17। इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जिस प्रकार गैर यहूदी अर्थात गैर विश्वासी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आगे को वैसे ना चलो, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो तुम में है और उसकी उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण उसकी बुद्धि अंधकार में हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। वे सुन्न होकर यहां तक कि लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए लालाहित रहते हैं। सोचिए, जो ज्योति से अलग रहते हैं वो सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए लालाहित रहते हैं। तुमने तो मसीह को इस प्रकार नहीं जाना, यदि वास्तव में तुमने उसको उसके विषय में सुना और जैसा मसीह में सत्य है उसमें सिखाए गए भी हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने स्वभाव को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। मतलब परमेश्वर रहित कुछ ऐसी अभिलाषा हैं, परमेश्वर रहित कुछ ऐसी आदतें हैं जो गलत हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन अभिलाषाओं को जो भरमाने वाली हैं, जो भ्रष्ट करती हैं, उनको दूर कर दो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अंदर से नया स्वभाव आना चाहिए, नया बनने के लिए अपने आप को 23 वचन उसमें पढ़ो, 4:23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नया बनना है। तो प्रभु से विनती करना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु हमें नया बनाए। प्रभु इसमें लिखा है, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उस चाल चलन को, उस पुराने मनुष्य तब को उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के रूप अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में
सिरजा गया है। हालेलुया। यहां पर सच में परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है, उसे पहनना है हमें। तो यहां पर कुछ डेली वेज की बातें हैं, 25 आयत से जब हम पढ़ते हैं, इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, झूठ बोलना छोड़कर सच बोलना सीखे, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो क्या करना है, एक दूसरे के साथ सच बोलना है, हम एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप ना करो, मीन्स क्रोध में पाप ना हो, तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बनाना रहे, अर्थात कोई भी अगर काम ऐसा होता है, कोई गलती हो गई या गुनाह हो गया, कुछ ऐसे माफी मांगे, सूर्य अस्त होने तक एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज कर लें, प्रेम में आ जाएं दोबारा से। शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका नहीं देना किसी बात में। ये डेली वेज हमारे जीवन में शैतान बहुत लाभ उठाना चाहता है, गलत करवाना चाहता है। तो यहां पर शैतान को अवसर ना दो, चोरी करने वाला फिर से चोरी ना करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उनके पास कुछ हो। अब आगे लिखा है, हमें काम करना है, हमें प्रभु के काम में सहग्रम रहना है, अपना अपना काम जो हमें जिम्मेदारी के साथ मिलता है, जो जिम्मेदारी के साथ काम हमें घर में मिलता है, बाहर मिलता है, दफ्तर में मिलता है, कहीं भी मिलता है, स्कूल का काम मिलता है, बाहर का काम मिलता है, उस काम में अपने आप को क्या करना है, अपने हाथों से परिश्रम करना है। और जो कमाते हैं, जो अलग तरह का बिजनेस करते हैं, ताकि आवश्यकता में पड़ने वाले को वो मिल सके। अब कोई अजलील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, अगर हम देखते हैं यहां पर 29 में, कोई आजलील बात तुम्हारे मुख से ना निकले, मतलब कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी ईर्ष्या वाली बात तुम्हारे मुख से ना निकले, कोई भी गलत बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गाली ना निकले, कोई भी चुगली ना निकले, मतलब कोई भी आजलील बात, मतलब जो जलील करने वाली बात हो या कोई ऐसी चीज आ रही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी आजलील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। तो जब परमेश्वर आज्ञा दे रहा है इसमें 27 में, जैसे हम पढ़ के गए, शैतान को अवसर ना दो, अगर अजलील बात निकल रही है मुंह से, कोई बात निकल रही है, गंदी बात निकल रही है, गाली निकल रही है, चुगली निकल रही है, या कुछ भी ऐसी बात हो रही है, तो शैतान को अवसर दिया जा रहा है, शैतान को मौका दिया जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुख से कोई भी अजलील बात ना निकले, परंतु तुम्हारे मुंह से केवल ऐसी बात निकले जो आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कितना अच्छा, मतलब वो बात निकलनी चाहिए जो सुनने वालों को अच्छा लगे, जो सुनने वालों का मन परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। इस ट्रांसलेट में क्या लिखा है पढ़िए, 29 तेज की पढ़िए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गंदी बात। तो यह परमेश्वर का वचन साफ कहता है, कोई गंदी बात ना निकले तुम्हारे मुंह से। ये हमें समझना है, हम ज्योति की संतान हैं, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, तो यह परमेश्वर का वचन आगाह करता है, कोई भी गंदी बात ना निकले, कोई भी अजलील बात ना निकले। हाँ, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो उन्नति हो रही है, ऐसी बात निकले हमारे जीवन से। अब यहां पर इसलिए पौलुस इस बात को कहता है कि अगर देखने के लिए मिलता होगा, और मिलता भी है आज के दौर में, जो बात अर्थहीन है ऐसी बात की जाती है, यहां तक कि प्रभु के लोग भी कितनी बार अर्थहीन बातें करते हैं, वो नहीं, परमेश्वर का वचन कहता नहीं होनी चाहिए। फिर गंदी बात तो और भी बहुत सी अलग अलग तरह की बातें हैं, ऐसी तो बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, जिससे मनोबल कम हो रहा हो नहीं निकलना चाहिए, किसी को नीचा करने वाली बात हो रही है नहीं निकलनी चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को नीचे दिखाने की, इंसल्ट कर रहे हैं किसी की, ऐसी बात ना निकले। और आज देखने के लिए मिलता है कि अगर जमात में बैठ जाओ या अलग अलग तरह की जगह में चार लोगों के बीच में बैठ जाओ, तो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात होती है। परमेश्वर का वचन मना करता है ऐसी बातें ना निकले तुम्हारे मुंह से, परंतु उन्नति की बातें निकले। कभी कभी क्या होता है, घर परिवारों में भी देखने के लिए मिलता है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे को नीचा करने की बात करते हैं, इवन तो छोटे छोटे कामों पर भी, उसको
तिरस्कार किया जाता है, नाना प्रकार की बातें आती हैं। तो परमेश्वर का वचन आज, अगर हम ज्योति की संतान है, हमें परमेश्वर ने कहा है कि आप ज्योति में चलना है, तो ज्योति में चलने के लिए हमें उसके स्वभाव को लाना है, और ज्योति में चलने के लिए उसके स्वभाव को देखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले, हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जी, अब ये हमें देखना है, क्या सुनने वालों पर अनुग्रह हो पा रहा है या नहीं। परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है कि समय की आवश्यकता, जो उस समय की आवश्यकता है वो बात करना है, व्यर्थता की बात नहीं, बेफजूल की बात नहीं, जो बात उस समय के लिए है। कितने लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, नाना प्रकार की बात सामने आती है, गाली गलौच आता है और अलग अलग तरह की क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कोई राजनीति की बात में अलग टांग खींचने की कोशिश करता है, कोई नफरत की बात फैलाने की कोशिश करता है, कोई अफवाहों की बातें फैलाने की कोशिश करता है, कोई धर्म की बातें को खींचने, कोई जातिवाद की, कोई नाना प्रकार की बातों में इंसान पूरी रीति से अपनी जवान को, अपने मन को, अपने दिमाग को खराब किए हुए है। बहुत से लोग ऐसी ऐसी बातों में उलझे हुए हैं, उन्हें लेना लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन बात ऐसी होंगी कि बस खुकार जैसी अजीब तरह की बातें। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है कि तुम्हारी बात अजलील ना हो, तुम्हारी बात गलत ना हो, तुम्हारी बात सदैव सही हो, अच्छी हो, और वो ही बात करो जो आवश्यकता हो, जिन बातों की, व्यर्थता की बात नहीं, ऐसी बात समय समय पर जो उपयोगी हो, जो सही हो, काम की बातें हों, व्यर्थ फजूल की बातें नहीं। अब सोचो एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में एक सब्जेक्ट चलता है, एक पीरियड आ गया है, जैसे आप स्कूल पढ़ते हो तो समझ लो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश का, और इंग्लिश के सब्जेक्ट में टीचर आकर इंग्लिश की बजाय वो राजनीति की बातें करने लगे और उल्टी सीधी बातें करने लगे, तो क्या वो सब्जेक्ट पूरा होगा है? तो वो बात कैसी हुई उस समय की, सब्जेक्ट क्या है स्कूल में, सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश का, और इंग्लिश की तो वो पढ़ाई कर पढ़ा नहीं रहा और वो राजनीति की बात करने लगा, तो उससे कोई अर्थ या उस समय का जो उपयोग समय है वो उससे लाभ ले पाएंगे बच्चे? नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार से बुद्धिमता के साथ हम मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को, परमेश्वर की संतानों को सोचना चाहिए कि क्या आवश्यकता है वो बात करनी चाहिए, क्योंकि समय का पूरा पूरा हमें उपयोग करना है, समय का ध्यान रखना है, क्योंकि दिन बुरे हैं, समस्या में भरे हुए दिन है, यीशु आने वाले हैं, यीशु का आगमन नजदीक है, और प्रभु ने यह साफ कहा है कि मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे, तो ये हो रहे हैं। इसलिए बड़े सावधानी के साथ हियाब बांधकर हमें बड़े बुद्धिमता के साथ, बड़े समझदारी के साथ हमें अपने बातों को रखना है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अजलील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, अजलील बात ना निकले। तो आज हमें समझना है, अपने आप को परखना है, कोई भी गंदी बात तो नहीं निकली हमारे मुंह से, कोई ऐसी चीज तो नहीं निकली जिससे कि किसी का हर्ट हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, किसी को ऐसी बातें, तो कंट्रोल करना है उन चीजों को। और आगे लिखा है कि आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, मतलब ऐसी बात जिससे उन्नति हो, भाईचारे की बात होनी चाहिए, प्रेम की बात होनी चाहिए, हालेलुया, समझदारी की बातें होनी चाहिए, संयम की बातें होनी चाहिए, एक दूसरे की उन्नति की बातें होनी चाहिए, एक दूसरे की सराहना करने वाली बातें होनी चाहिए, एक दूसरे की तारीफ करने वाली बातें होनी चाहिए, एक दूसरे को ऊंचा करने वाली बातें होनी चाहिए, एक भाईचारे की बातें होनी चाहिए, देश प्रेमी की बातें होनी चाहिए। मेरे अजीजों, ऐसी बातों से आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपके लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, आपके बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा, और बिना परमेश्वर की सामर्थ के कोई भी सही बात आज नहीं कर पा रहा। बिना परमेश्वर की सामर्थ्य, बिना परमेश्वर की, क्योंकि अंधकार में बड़ी शक्ति
ताकत से काम कर रही है और वो मरी फैला रही है, नाना प्रकार की बातें चल रही हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी अजलील बात तुम्हारे मुख से ना निकले, परंतु उन्नति के समय आवश्यकता के समय जो आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है वो ही बात निकले, ताकि उन्नति हो सके और सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्यों? आगे लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अर्थात अगर कोई भी अजलील बात निकल रहा है तो पवित्र आत्मा शोकित हो रही। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, मनुष्य मानव जाति पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उस मंदिर को अगर कोई अजलील करेगा, कोई गलत बात करेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मा शोकित होगा। पवित्र आत्मा शोकित होता है गलत बात करने से, जो छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर छाप लगी गई है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 31 पढ़िए तेज की। हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और क्लेह, निंदा, सब वैभाव समेत तुमसे दूर की जाएं। हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा, सब प्रकार के बुरे बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। तो सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह, निंदा, सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। तो परमेश्वर चाहता है कि इस तरह की निंदा, इस तरह की गलत बातें हमसे दूर किए जाएं। और करुणामय हो। हाँ, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यस, तो यहां पर एक दूसरे के अपराधों को हमें क्षमा करना है, एक दूसरे के लिए हमें करुणामय बनना है, एक दूसरे के प्रति हमें दयालु बनना है, करुणामय बनना है। और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। आज इंसान एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाता। हीन भावना, बदले की भावना एक इंसान के अंदर भरी पड़ी है, एक जलसी इंसान के अंदर भरी पड़ी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, अपराधों को क्षमा करो, उनके लिए दयालु, कृपालु, करुणा में जीवन व्यतीत करो, तभी तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो। परमेश्वर का अनुकरण करने वाले, ओ बहुत बड़ी बात है यहां पर, परमेश्वर के अनुकरण करने वाले बच्चे बनना है। क्या लिखा है 5 अध्याय का 1 आयत में, परमेश्वर के इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। ओ, प्रिय बालकों के समान प्रिय बालक बनना है। प्रिय बालक, प्रभु का प्रिय बालक बनना है, खूकार बालक नहीं है, लड़ाई करने वाला बालक नहीं है, चुगली करने वाला बालक नहीं, नाना प्रकार के गलत काम करने वाला, पाप करने वाला बालक नहीं, परंतु प्रिय बनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु की आज्ञा को माना, पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना और प्रभु की धार्मिकता को पूरा किया, तो एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया, इसमें अत्यंत प्रसन्न हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु इतना नम्र, दीन, और वो प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए संसार में एक नमूना देके गए हमको, कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें, हम भी प्रिय बालक के सदृश प्रभु को प्रसन्न कर सकें। और प्रभु कहने लगे ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बच्चा, ये मेरे बच्चे हैं, इनसे मैं प्रसन्न हूं, इनकी मैं भलाई करना चाहता हूं, मैं इनको देखता हूं तो ये अच्छे स्वभाव के हैं। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस यहां पर कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के सदृश प्रिय बनना है। प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। बहुत बड़ी गहराई है इसमें।
मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना अधीनता में कर दिया, इतने शून्य बन गए, इतने आज्ञाकारी बन गए कि अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। ये बहुत बड़ी कठिनाई है। आज क्या कोई हम ऐसे काम करते हैं, अगर कोई बड़ी कठिनाई का काम है और बड़ी वैसे काम है और हम उसे बड़े नम्रता के साथ करें, काम को और नम्रता के साथ करना, ये प्रभु चाहते हैं। कठिन काम को नम्रता के साथ हमें करना है, कठिन काम को हम्बलता के साथ करना है, ईमानदारी के साथ करना है कठिन काम को। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जो उसके सामने रखा था, है मृत्यु, उसको हराना था और उसने अपने आप को उस दुख को सहते हुए सुखदायी सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया है। कभी कभी कोई काम हम ऐसा करते हैं प्रभु के लिए तो बड़ा कभी कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी कभी अजीब तरह का लगता है, तो वहां पर प्रिय नहीं समझा जाएगा। काम तो कर रहे हैं लेकिन वहां पर कुड़कुड़ाहट आ रही है, काम तो कर रहे हैं लेकिन वहां पर कुछ अजीब सा हो रहा है। तो प्रभु का वचन कहता है हमें सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर प्रभु के सामने लेके आना। जैसे रोमियो 12:1 में लिखा है कि तुम्हारी आत्मिक आराधना है कि तुम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ, उसे पसंद होने वाला बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यहां पर यीशु मसीह के अगर प्रिय बालक बनना है हमें, परमेश्वर के प्रिय बालक बनना है हमें, उसका अनुकरण करना है, उसका अनुकरण जैसे यीशु ने किया। कितने भी बड़े बड़े काम हो, कितने भी कठिन काम हो, हमें परमेश्वर के सामने बड़े नम्रता दीनता के साथ रहकर वो काम जो प्रभु ने करने के लिए हमें दिए हैं, सब गौर से सुने, जो काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिए हैं बड़े प्रेम के साथ, धैर्य के साथ करें उनको। दो आयत दोबारा पढ़िए, उस ट्रांसलेट में पढ़िए क्या लिखा, देखिए। हाँ, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखिए, भेंट करके बलिदान कर दिया, उस प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया परमेश्वर के सम्मुख। मतलब वो काम की करके दिखाए प्रभु ने, प्रेम में इतना बड़ा काम करके दिखाया। और कैसे काम कर रहे हैं वो, गुस्सा होकर कैसे काम कर रहे हैं, दुखी होकर, बोझ लगकर नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए। प्रभु है शारीरिक रीति से कितनी कठिनाई आ रही है, कितनी बातें आई, लेकिन प्रभु ने उनको, जैसे बोलते ना, हंसते हंसते प्रभु के सामने है पूरी आज्ञाकारिता में रहे। इसीलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण, परमेश्वर का अनुकरण का मतलब है प्रभु यीशु का अनुकरण करना है। जैसे उसने अपने सामने जो सुख की बात रखी हुई थी, धार्मिकता की स्वर्ग की बात रखी हुई थी, कोई भी चिंता नहीं करी, दुख का, हाँ क्रूस का दुख उठा लिया, आज्ञाकारी रहे वो। इब्रानियों की पत्री में जब हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं 1 और 2, वो दौड़ जो दौड़नी है हमें, जो प्रभु ने हमें दौड़ने के लिए दी है, ज्योति की संतान ऐसे नहीं बन जाना है, ज्योति की संतान बनने के लिए अंधकार के कामों को अपने ऊपर नहीं लाना है, अंधकार के कामों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, कोई भी गलत चीजों को, कोई भी गलत सोच को, कोई भी गलत विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ज्योति चमकती है अंधकार में, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्रता के साथ चलना है। तो हर एक काम जैसे हम करते हैं उन कामों को परमेश्वर के सामने रखना है। अब आगे लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे मध्य ना तो व्यभिचार, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम, ना लोभ का नाम लिया जाए, और ना तो घृणित कार्य, ना मूर्ता की बातें, ना ठट्टों की बातें जो शोभा नहीं देती ना पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। तो
अपने आप को अच्छा करने के लिए, प्रिय बनने के लिए, प्रिय बालकों के सदृश कैसा बनना है, कैसा करना है, कैसा होना चाहिए, यहां पर जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, जैसे पवित्र लोगों को भाता है। पवित्र लोग कौन? जो ज्योति में चलते हैं। पवित्र लोग कौन? जो परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं। पवित्र लोग कौन? जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। पवित्र लोग कौन? जो परमेश्वर के चुने हुए लोग। पवित्र लोग कौन? जो परमेश्वर की मर्जी से बुलाए गए हैं और प्रभु के चुने हुए हैं हम। तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है, अगर हम प्रभु के चुने, प्रभु की ज्योति में हैं, तो अपने आप को पवित्र लोगों के सदृश चलना है। जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे मध्य ना तो व्यभिचार पाया जाए। क्या लिखा है? तीन आयत पढ़िए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो जी, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। वरन धन्यवाद ही सुना जाए। अर्थात जैसा पवित्र लोगों को उचित है, तो पवित्र लोगों को क्या उचित है? उनके मध्य व्यभिचार ना हो। अब व्यभिचार केवल पुरुष स्त्री के लिए नहीं, व्यभिचार बहुत सी चीजों के लिए भी है। अर्थात मूर्ति पूजा करना, अर्थात किसी का लोभ करना, अर्थात किसी के प्रति मन में सोचना, ये व्यभिचार के उसमें क्वालिटी में आते हैं। तो तुम्हारे बीच में ऐसी चीज ना पाई जाए, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम नहीं पाए जाए, ना लोभ का नाम लिया जाए, और ना ही ठट्टों की बातें, ना घृणित कार्य, ना मूर्ता की बातें तुम्हारे अंदर पाई जाए जो शोभा नहीं देती है। तो कभी कभी क्या होता है, मसीह लोगों में खूब ठट्टे की बातें होती हैं, खूब नाना प्रकार के ऐसे ऐसे मजाक कर देते हैं, गाली गलौच हो जाती है कितनी बातों में, कितने लोगों के बीचों में है, अजलील बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फाइटिंग हो जाती है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के प्रिय बच्चों के सदृश अगर बनना है, सुगंधित बनना है हमें, और प्रभु को अच्छा लगना है, प्रिय लगना है, तो हमारे बीच में पवित्र लोगों के लिए, तुम्हारे बीच में व्यभिचार ना पाए जाए, मूर्ति पूजा ना पाई जाए, अशुद्धता ना पाई जाए, लोभ की बातें ना पाई जाए, ठट्टों की बातें ना पाई जाए, घृणित कार्य ना पाए जाए, मूर्ता की बातें ना पाई जाए, नहीं पाई जाए, वरन धन्यवाद दिया जाए। हालेलुया, वरन धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि तुम यह निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई भी व्यभिचारी, चोरी, व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी व्यक्ति, अर्थात मूर्ति पूजक, मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तर अधिकारी नहीं हो सकता। परमेश्वर के राज्य में अधिकार ये लोग नहीं पा सकते, जो चोरी करने वाला है, अशुद्ध काम करने वाला है, मूर्ति पूजक है, व्यभिचारी है, झूठ बोलने वाला है, और बहुत से गलत काम करने वाला व्यक्ति। ज्योति में चलने वाले लोगों के अंदर ये चीज ना पाई जाए। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों छह आयत पांच का छह, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा ना मानने वाले परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। तो आज क्या हो रहा है? बहुत से लोग मर रहे हैं, प्रकोप चल रहा है, आज्ञा नहीं मानते बहुत से लोग। इसलिए तुम ऐसे लोगों के सहभागी ना बनो। अब यहां पर आगे लिखा है, पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। हालेलुया। पहले तो हम क्या थे? अंधकार में थे, लेकिन अब कौन है? हम परमेश्वर की ज्योति हैं। तो ये सोचिए, अब हम ज्योति हैं, अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो। अगर ज्योति है तो ज्योति की संतान जैसे चलती है, ज्योति के सदृश चलना है, वैसे हमें चलना है। और प्रभु का वचन, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय उसका पांच से पढ़ते हैं, ज्योति अगर हम कहते हैं कि क्या बोलते हैं, ज्योति में अगर हम कहते हैं हम ज्योति में चलते हैं और फिर भी अंधकार कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो हम
अपने आप को सही रीति से जैसे प्रभु चाहता है, अंधकार के काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अत ज्योति की संतान के सदृश चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो ज्योति का फल क्या मिलेगा? सब प्रकार का फल जो मिलेगा वो भलाई होगी। तो सब प्रकार में भलाई होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। और 10 आयत में लिखा, परखो किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परखो किन बातों से यीशु प्रभु प्रसन्न होते हैं। हमें परखना है, हमें देखना है, ओ प्रभु आप किस बातों से प्रसन्न होते हैं, प्रभु आप किन बातों पर मन लगाते हैं, कैसी बातों को चाहते हैं, प्रभु आप हम पर दया करें प्रभु। और आगे लिखा है इसी का 13 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन कामों को प्रकट करो, क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है। गुप्त में जो गलत काम होते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं, उनका तो नाम ही लेना ठीक नहीं है, ऐसे का तो चर्चा करनी ही ठीक नहीं है। पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, वो परमेश्वर की ओर से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग, और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो हमें क्या है, अपने गलत स्वभाव से, गलत बातों से, गलत चीजों से, गलत अभी भी अगर कोई भी एक भी चीज ऐसी है जिसमें मसीह का आत्मा शोकित हो रहा है, कोई भी अगर ऐसी एक चीज है जिससे परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा, तो आज उस चीज को छोड़ देना है हमें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार बना के रखना है। तो आगे लिखा है, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों मनुष्य के सदृश नहीं वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो, समय का पूरा पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, तो बुद्धिमान बनना है। अब बुद्धिमानों को एक एग्जाम्पल में देखता हूं, यीशु मसीह कहते हैं बुद्धिमान ने अपना घर बनाया, कहां बनाया बुद्धिमान ने अपना घर? चट्टान पर अपना घर बनाया, नींव खोदकर, चट्टान पर नींव खोदकर घर बनाया, और जोर से बारिश आई, तूफान भी चला, और क्या रहा, उस पर टकराया, वो गिरा नहीं, चट्टान वाला मकान, चट्टान वाला घर नहीं गिरा, क्योंकि वो मजबूत बनाया गया था, वो बुद्धिमान मनुष्य था। और एक निर्बुद्धि ने बनाया, और निर्बुद्धि ने कहा घर बनाया, बालू पर, और जोर से बारिश आई, तूफान भी चला, और क्या हुआ, उस चीज से टकराया और वो वो गिर गया। तो ये किसको दर्शा रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु के वचनों को सुनकर उनका पालन करता है, उस पर चलता है, वो है बुद्धिमान। और निर्बुद्धि वो है जो वचन को सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है या मानता नहीं है, चलता नहीं उन पर, वो है निर्बुद्धि, सुनता भी नहीं है कितनी बार, और जब समस्या आती है, जब परेशानी आती है, तो उसके जीवन में हाहाकार होता है और उसका घर, आत्मिक घर गिर जाता है। इसलिए बुद्धिमान, जब मत्ती रचित सुसमाचार में 25 अध्याय में देखते हैं तो वहां पर बुद्धिमान 5 कुंवारी और 5 समझदार कुंवारी थी, उन स्त्रियों के विषय में जो प्रभु कहता है कि बुद्धिमान वो हैं जिन्होंने मसाल में तेल भर रखा था और अपने साथ कुप्पियों में तेल ले रखा था, दूल्हा आया उनके साथ चले गई 5 और 5 रह गई, उनके पास तेल नहीं था। आज हमें पवित्र आत्मा में चलना, बुद्धिमत्ता के साथ वचनों से अपने आप को तैयार करना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि दिन बुरे हैं, बुद्धिमानों के सदृश हमें चलना है, निर्बुद्धियों के समान नहीं। मेरे जीजो, हमें परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते हुए जाना है, भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पे जाना है, हमें आत्मा में भरते हुए जाना है। यहाँ पे लिखा है
16 आयत में समय का पूरा पूरा उपयोग करो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस पीकर मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो दाखरस पी के मत वाले ना बनो। तो केवल एक चीज यही नहीं है कि दारू पी लिया या दाखरस पी लिया उससे मतवाले हो गए, ये बहुत सी चीज हो सकती हैं। दाखरस बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है आपके जीवन में, चाहे चाहे आलस हो, चाहे कोई और ऐसी चीज हो, चाहे वो स्वादिष्ट भोजन की लत हो, और या कोई भी ऐसी चीज जिससे कि मतलब आत्मिक जीवन बिगड़ रहा हो, जिससे कि कोई समझ में नहीं आ रही हो और लापरवाही चल रहा हो, ये भी एक तरह से मतवालापन जॉन्ट कर सकते हैं हम। परंतु प्रभु चाहता हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है, और आपस में भजन कीर्तन, आत्मिक गीत, और हमें आत्मा के गीत गाते हुए स्वभाव अपने मन में प्रभु के लिए जागते रहना है। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते रहना है। यीशु मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहना है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ज्योति की संतान बने, उसके साथ साथ चलें और सही इन दिनों में अपने आप को तैयार कर सकें। हालेलुया। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे, इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के साथ रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने यह समय दिया है।